सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इस टाइप की जो रील है वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और हम कुछ इस टाइप की एक रील क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि इस तरीके की रील आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरी लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर लीजिए, देन 9:16 की साइज को हमने सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक ऐड करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे हमने टैप कर देना है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। तो प्लस पे आइए, मीडिया में आइए और यहाँ से गाइस सॉन्ग को हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो जो अभी आपने प्रीव्यू में जो सॉन्ग सुना था गाइस, यानी जो वीडियो देखा था, उसी वीडियो को मैं ऐड कर लेता हूँ। सॉन्ग हम उसी में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर सिंपली उस वाले वीडियो को मैं टैप करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर वीडियो को टैप करेंगे, 3 डॉट पे आके एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करके इसकी सॉन्ग को हम ले लेंगे। अब देखो, जो यहाँ पर मैं बीट मार्क लगा देता हूँ ताकि मुझे लिरिक्स को लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखो, ये जो है ना, ये कहाँ से ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक बीट मार्क लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इधर म्यूजिक के अकॉर्डिंग सुन सुन के गाइस यहाँ पर आप लगा सकते हो बीट मार्क, ठीक है। फिलहाल के लिए गाइस यहाँ से सिंपली मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्लस पे आएंगे और एक शेप को ऐड करेंगे। 3 डॉट पे आके फील कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करेंगे, देन कलर एंड फील के ऑप्शन में आके इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेंगे और ये मिडिल में जो है ये राउंड वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपको ऐसे करके इसको शेप में ऐसे करना है, देख सकते हो, इसको ऊपर नीचे खींचोगे तो ऐसे होगा, ठीक है। बाकी जहाँ पर वाइट कलर है इसको क्लिक करके हमने यहाँ पर पूरी ब्लैक कलर कर लेना है, और जहाँ पर ये ब्लैक कलर इसको क्लिक करके थोड़ी सी डार्क कलर कर लेंगे ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है, देखो ऐसे करके आपको करना है। और ये ज़्यादा वाइट है तो इसको टैप कीजिए यहाँ पे, फिर कलर में आइए और थोड़ा सा इसको और ब्लैक कर लीजिए इस तरीके से गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कर देना है। अब इसकी ड्यूरेशन को हम पूरी यहाँ से लास्ट तक कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्री प्लस पे आएंगे, मीडिया में आएंगे और उसके बाद में गाइस यहाँ पर हम अपनी गैलरी में आएंगे और गैलरी से गाइस यहाँ से एक पार्टिकल वाली टैम्पलेट आपको मिल जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पर ऐड कर देना होगा, ठीक है। ये वाला टैम्पलेट है, इसको टैप करेंगे, वैल्यूम में आके इसकी वैल्यूम को 0 कर लेंगे और मूव एंड ट्रांसफर में आके इस रोटेशन वाले ऑप्शन में आएंगे और इस तरीके से हम इसको यहाँ पर -90 डिग्री कर लेंगे। और यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफर में ये जूमिंग वाले ऑप्शन में जाके इस तरीके से आपको जूम कर लेना है और यहाँ पर ब्लेंडिंग में आना है और लाइटन में आके स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको ओपासिटी की इसकी कम कर देना, कुछ इस तरीके से आप कम कर लीजिएगा, 50% मैंने कम कर दिया है। और यहाँ पर आप देख लेना है कि हमारे म्यूजिक की ड्यूरेशन कितना है, तो इसकी भी ड्यूरेशन हमने उतना ही रख लेना है। तो यहाँ पर एक मैं बीट मार्क लगा देता हूँ और यहाँ से सिंपली हम इसकी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अभी नॉर्मल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी मेन एडिटिंग स्टार्ट है, तो अब स्किप बिना किए हुए देखते रहो। तो सबसे पहले प्लस पे आएंगे और एक शेप को, इस वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और एडिट शेप में आएंगे। अब यहाँ पर देखो एक्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो उसको टैप कर लीजिए और यहाँ पर 380 कर लेंगे, 380 करके यहाँ पर डन करेंगे। फिर वाई पर टैप करेंगे और यहाँ पर गाइस इसको 215 कर लेंगे, तो यहाँ पर 215 करके डन करेंगे। और नीचे जो गाइस यहाँ पर रेडियस से इसको टैप करेंगे और इसको गाइस यहाँ पर हमने 65 कर देना है और डन कर देना है। तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बैक हो जाएंगे, कलर में आके यहाँ पर ब्लैक कलर ऐड कर लेंगे और यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन को यहाँ तक कर लेंगे, क्योंकि पहला जो हमने देखा होगा स्टार्टिंग में इमोजी वाला जो एक PNG चलता है और वहाँ पर लिखा हुआ रहा है नीचे टेक्स्ट की फील दिस सॉन्ग, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये वाला करने पहले हमें एडिट करना है, बाद में उधर हम अपने लिरिक्स वगैरह एडिट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको शेप को ऐड कर दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सिंपली गाइस प्लस पे आइए और यहाँ पर फिर से ये टैक्स वाले ऑप्शन पे आइए
और यहाँ पर इमोजी वाले ऑप्शन पे आ जाइए और कुछ इमोजी को यहाँ पर आपको ऐड कर लेना होगा। लाइक यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दिया है और कलर में जाएंगे और इस कलर के ऑप्शन में टैप करके इसको नीचे की तरफ खींचोगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रोबोट रेगुलर में जाना है और कुछ फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी फॉन्ट को आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए व्यू ऑल फॉन्ट में आइए, 3 डॉट पैक इंपोर्ट फॉन्ट्स पे जाइए और जहाँ से गाइस आपने फॉन्ट डाउनलोड करके जिस फोल्डर में रखा होगा फोल्डर में जाकर फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा। वो फॉन्ट आपकी ऐड होकर यहीं पर शो हो जाएगा, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो उसकी नेम को बस आपको सर्च कर लेना है। तो इस फॉन्ट की जो नेम है iOS 13 नाम की फॉन्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से शेप को यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना है। तो देखो मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ, तो ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में गाइस आपको क्या करना है, फिर से इसी शेप को टैप करके प्लस में आकर डुप्लीकेट एक लेयर कीजिए, एक लेयर को यहाँ पर हमने ऊपर लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर गाइस एडिट टेक्स्ट में आएंगे और उसके बाद में गाइस यहाँ से सिंपली इसको मैं डिलीट कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा वाइट हार्ट, ठीक है, इमोजी वाले ऑप्शन में जाके और डबल वाइट हार्ट हम सेलेक्ट करके डन करेंगे। और यहाँ से हम मूव एंड ट्रांसफ़र पर टैप करके इसकी साइज़ को हम छोटा करके यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से लगा देना है। बाकी गाइस यहाँ पर फिर प्लस में टैप करके डुप्लीकेट लेयर करेंगे और एक लेयर को हम यहाँ पर लगा लेंगे हार्ट को, ठीक है। तो देख सकते हो इस तरीके से आपको कर देना होगा। अब देखो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, फिलहाल के लिए इसकी ड्यूरेशन को हमने फिर से यहाँ तक कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो चुका है। अब आपको इमोजी को सिलेक्ट कर लेना है और ये जो हमारी शेप है इसको सिलेक्ट कर लेना है और इस वाले ऑप्शन पर टैप करके इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। अब इसको टैप कीजिए, बॉर्डर एंड शैडो में आकर थर्ड ऑप्शन को क्लिक करके इनेबल कर लो शैडो को और यहाँ पर कलर में आकर वाइट कलर को ऐड कर दीजिए, ठीक है। बाकी गाइज यहाँ से आपको सिंपली पोजीशन को थोड़ा सा गाइज पोजीशन उतना ही रहने देना है, बस वाई को यहाँ पर जो है इंक्रीज कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से और अल्फ़ा को थोड़ा सा मैं कम करूँगा, साइज़ को थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इतना ऐसे कर लेना है आपने, ठीक है। अब देखो ये हो चुका है, अब आपको क्या करना है, इसको फ़िलहाल के लिए हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने गाइस इसको इफ़ेक्ट वगैरह ऐड करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्लस पे आ जाएंगे, ये वाला प्लस पे एक टैप कर देंगे और इसको नीचे की तरफ ऐसे देखो लकीर आपको सीधा दिख रहा है ना, पूरी सीधी लाइन आपकी होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। तो मैं नीचे की तरफ लाता हूँ ऐसे करके और यहाँ पर हम नीचे की तरफ जाकर छुपा देंगे, फिर लास्ट में जाएंगे एक प्लस लगा देंगे और फिर उसके बाद हम बीच में आके एक प्लस को लगा देंगे, ठीक है, ऐसे बीच में आके। अब यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ करूँगा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ आप जहाँ रखना चाहते हो ना उसको वहाँ पर रख सकते हो, मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस कर्व वाले ऑप्शन में आना है, दोनों की फ्रेम के बीच में आना है, कर्व पे आना है और इस तरीके से आपको कर्व दे देना है, ठीक है, ऐसे करके कर्व दे देना है और उसके बाद में 3 डॉट पे आके कॉपी कर्व कर लीजिए और उसके बाद में आगे जाइए फिर से 3 डॉट पे आके पेस्ट कर्व कर लीजिए, ये रोटेशन वाले ऑप्शन के टैप कर दो। तो देखो आपकी हमारी जो मतलब लिरिक्स कुछ इस तरीके से ये आएगा। अब यहाँ पर इसमें रोटेशन वाला ऑप्शन नहीं लगा हुआ है तो वो हम पहले ऐड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे इस रोटेशन वाले ऑप्शन पे टैप कीजिए और एक प्लस यहाँ लगाइए, ठीक है, स्टार्टिंग में। और इसकी जो है ना यहाँ पर हम 13 कर देंगे, प्लस 13 करेंगे, फिर से गाइस यहाँ पर आपको बीच में जाना है, एक प्लस लगाना है और इस बार हम -7 करेंगे, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर हमने इसको 7 कर देना है, फिर एंड में जाके एक प्लस लगाना है और इस बार माइनस हम 13 कर देंगे यानी 13, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें भी कर्व देना है तो की फ्रेम के बीच में आइए, ऐसे आइए और कुछ इस तरीके से गाइस आप कर्व दे दो, ठीक है। और इसके बाद में 3 डॉट पे आके इसी को कॉपी कर्व कर लो, फिर से आपको आगे जाओ और 3 डॉट पे आके पेस्ट कर्व कर दो और रोटेशन वाले ऑप्शन पे टैप कर दो, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अभी देखो हमारे ये जो है ये एनिमेशन कह सकते हो कुछ इस तरीके से बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरी वाली जो शेप है उसे एडिट करेंगे, तो फिर प्लस पे आएंगे और एक शेप को फिर से ऐड करेंगे। अभी कलर एंड फिल में आके वाइट कलर को मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और एडिट शेप में आएंगे। अब
तो यहाँ पर ये दूसरी वाली शेप को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी कलर वाइट करने के बाद में अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फिर से एक्स की ऑप्शन पर टैप कर लेना है और यहाँ पर हमने इसकी जो है 370 कर देना है, ठीक है, एक्स को, ठीक है, डन करेंगे। फिर से यहाँ पर हम वाई वाले ऑप्शन में आएंगे और वाई को गाइस यहाँ पर 152 कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर डन कर देंगे। उसके बाद में रेडियस को टैप करेंगे और रेडियस को हम यहाँ पर 70 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर हमने डन कर देना है, तो कुछ इस तरीके से देखो ये हो जाएगा। अभी इसकी ड्यूरेशन भी हमने यहाँ तक करके छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर हमने क्या करना है, ध्यान से देखते रहो। अभी यहाँ पर फिर से हम प्लस पे आएंगे और टेक्स्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी, इसको पहले डिलीट कर दो। यहाँ पर सबसे पहले प्लस पे आइए और यहाँ पर नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो देखो ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ये वाला देख सकते हो, एक शेप मिलेगा, इस शेप को आपको सिलेक्ट कर लेना है। कलर एंड फील में आके ब्लैक कलर ऐड कर लीजिएगा। मूव एंड ट्रांसफर में आके इसकी साइज़ को हमने ऐसे करके छोटा कर देना है ऐसे, और इसको यहाँ पर ऐसे करके लगा लीजिएगा। अभी गाइस यहाँ पर आपको इफेक्ट में आके फिर से एड इफेक्ट पे आना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है लॉन्ग शेडो, ठीक है, और इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कीजिए। बस एंगल को आपको इस तरफ घुमाना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरफ एंगल को घुमाना है गाइस, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल को हमने 135 कर लिया है और साइज़ को इस तरीके से हमने कम कर देना है, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पर फिर से प्लस में आके डुप्लीकेट एक और लेयर करेंगे और एक को हम इस तरफ ऐसे करके रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस पे आना है, फिर से टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है फील, उसके बाद में दिस, यहाँ पे सॉन्ग, ऐसे करके आपको लिख लेना है। स्टार्टिंग की वर्ड हमेशा आपकी कैपिटल में होना चाहिए। कलर में आके ब्लैक कलर ऐड करेंगे, रोबोट रेगुलर में जाएंगे, रोबोट रेगुलर में, और जस्ट राइट डेमो नाम का फॉन्ट है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। आपको पहले इसको ऐड करना है, ऐड कैसे करना है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, तो ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर इसको हम इसमें रखेंगे बीच में। तो गाइस ये थोड़ी सी शेप ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसकी साइज़ छोटा कर देता हूँ और इधर कर लूँगा। उसके बाद में दूसरी वाली शेप को भी हम टैप करेंगे मूव एंड ट्रांसफर में आके, इसकी साइज़ को भी हम थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेंगे, सेंटर में रख लेंगे। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके जूम करेंगे और बीच में रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके, चलो ये जो लॉन्ग शेडो वाला इसको टैप करेंगे इसमें शेप में, 3 डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे ये वाला लॉन्ग शेडो इफेक्ट को, और ये जो फील दिस सॉन्ग इसको टैप करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे। तो इस पे देखो ये इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, फिर से गाइस इसी को टैप करना है और यहाँ पे प्लस में आके डुप्लीकेट एक लेयर कर लेना है, एक लेयर को नीचे की तरफ खींचिए और एडिट टेक्स्ट में आके इसको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर कुछ इमोजी को आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर लेना होगा, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। कलर में आके इसकी कलर को टैप करके नीचे की तरफ खींचेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और रोबोट रेगुलर में जाके यहाँ पर iOS 30 नाम के फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। बस यहाँ पे इफेक्ट में एक लॉन्ग शेडो को हटा देना है और उसके बाद में बोर्ड एंड शेडो में एक थर्ड ऑप्शन को क्लिक करके शेडो को इनेबल करके ये ब्लैक कलर को ऐड करके डन कर देना है। बाकी साइज़ को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा करके यहाँ पर आपको लगा देना है। अब गाइस इस वाले शेप को और सारे ये जो PNG वगैरह हमने ऐड किया है सबको गाइस यहाँ तक आपको एंड तक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखते रहो। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर ये जो शेप है ना, ये वाइट वाला, इसको छोड़ के ऊपर जितने भी यहाँ पर देखो, ये जैसे कि ये सब जो हमने जितने भी ऐड किया ना, लाइक ये सब जितने भी ऐड है, तो ये कौन सा शेप, तो हाँ ये जितने भी गाइस ये जो वाइट वाला छोड़ के ये जितने भी देख रहे हो आपको दिख रहा है, सारे को हमने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इस ग्रुप वाले ऑप्शन पे टैप करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। अब आपको इसको टैप करना है लिरिक्स को, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा वाइप, इसको टैप करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करेंगे। एंड में आके एंड को आपको कुछ इस तरीके से कम करना होगा और फेतर को यहाँ पर ऐसे करके आपको 4 से 5 कर लेना है, ठीक है, बस, ठीक है, और एंड को कम कीजिए ऐसे करके। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आके एक प्लस लगा लेना है एंड की, ठीक है, जब तक लिरिक्स छुप जाए तब तक आपको यहाँ पर बैक करते यानी कि माइनस कर देना है। और उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाएंगे, अब यहाँ पर एंड को मैं बढ़ाता हूँ जब तक हमारी लिरिक्स दिख ना जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखो लिरिक्स हमारी पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो गाइस कुछ इस तरीके से देखो ये बन चुका है ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, दोनों को टैप कर लेना है
दोनों को टैप कर लेना है और यहाँ से गाइस देखो ये जो वाइट कलर का जो शेप है उसको और लिरिक्स को टैप करके इस वाले ऑप्शन में टैप करके फिर से आप दोनों को ग्रुप बना लेना है। देखो इस तरीके से अब इसको टैप करके आप नीचे रख सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप नीचे ऊपर रख लीजिएगा, बाकी यहाँ पर इसको आप इधर भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हमारा काम हो चुका है, अब यहाँ से हम ध्यान से गाइस एक एक चीज़ दिखाएंगे। तो पहले यहाँ पर देखो एक बीच में की फ्रेम लगा हुआ है, तो एक बीट मार्क यहाँ भी लगा लो ताकि हम यहाँ पर हम इसको ऊपर नीचे करेंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे तो यहाँ पर इजीली हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर इसको टैप कीजिए, मूव एंड ट्रांसफ़र में आइए। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, एक प्लस लगा देना है फिर से स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर इसको नीचे की तरफ आपको खींचना है, ठीक है, नीचे की तरफ इसको पूरा सेंटर में रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको गाइस सेंटर में रखना है आपने। फिर से यहाँ पर आपको एंड में चले जाना एक प्लस लगा के, फिर से देखो हमने बीच में की फ्रेम लगा दिया था तो उसी वजह से मेरे को पता रहे, इसलिए यहाँ पर मैंने बीट मार्क लगा दिया है। फिर से यहाँ पर एक हम की फ्रेम लगाएंगे, अब इसको आपको ऊपर करना है और लाइन सीधा रहना चाहिए और इतना आपको रखना है टच में, ठीक है, इतना टच में रखना है। अब आपको क्या करना है, जो ये जो है ना गाइस, ये वाला जो शेप, इस यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफ़र में आओगे तो ये कर्व वाले ऑप्शन में आना। अब थ्री डॉट पे आके कॉपी कर्व कर लेना, ठीक है, इसकी कर्व को। अब फिर से ये वाइट वाली लिरिक्स वाले में आएंगे और मूव एंड ट्रांसफ़र में आएंगे, कर्व में आएंगे, थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर्व करेंगे, फिर से आगे जाएंगे, थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर्व करेंगे और रोटेशन वाले ऑप्शन को टैप कर देना है। तो देखो हमारी जो ये कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है, देख सकते हो अभी फ़िलहाल के लिए। अब इसमें रोटेशन वाले ऑप्शन हम ऐड करेंगे तो टैप करेंगे, मूव एंड ट्रांसफ़र में आकर रोटेशन में आएंगे और यहाँ पर अब देखो एक प्लस यहाँ पर स्टार्टिंग में लगाना है और यहाँ पर गाइस हमने इसको माइनस कर देना 15, ठीक है। उसके बाद में बीच में जाएंगे और यहाँ पर फिर से एक प्लस लगाएंगे और इस बार इसको हम कर देंगे 0। फिर एंड में जाएंगे, फिर से एक प्लस लगाएंगे और इस बार कर देंगे प्लस 50, ठीक है, ऐसे करके आपको 50 कर देना है। अब देखो हमारे पूरी गाइस यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग की वर्ड है जो कुछ इस तरीके से बन चुका है, हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ से देखो और आगे थोड़ा सा आपको मेहनत बिल्कुल कम लगेगा और ये सब अगर आप नहीं बना पाओगे तो पूरा मैंने XML प्रीसेट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जाके कर लीजिएगा। अब ये व्हाइट वाले शेप को टैप करके बोर्ड एंड छोटा में आकर थर्ड ऑप्शन को इनेबल कर लेना है और गाइज इस तरीके से पोजिशन को ना आपको ऐसे करके बढ़ा लेना है, देखो इस तरीके से, ठीक है, देख सकते हो। अल्फ़ा को थोड़ा सा कम कर लेना, इसमें भी शेडो हमने देना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना है। तो ये हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों लेयर को टैप कर लेना है और प्लस में आके कॉपी लेयर कीजिए, फिर यहाँ पे आइए प्लस में आके पेस्ट लेयर कीजिए क्योंकि आगे से हम लिरिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये है इसको टैप कर लो इस वाले शेप को और यहाँ पर एडिट ग्रुप में आइए, ठीक है। अब ये जितने भी गाइस ये जो हार्ट वगैरह है ना, ये सब सारे को आपको डिलीट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको इसी शेप को टैप करके प्लस में आके एक डुप्लीकेट लेयर कर देना होगा, ठीक है। और उसके बाद में गाइस एक शेप को ऊपर वाले को टैप करना, कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेना, ये राउंड वाले शेप को हमने टैप कर लेना है और बीच में ऐसे करके हमने रखना है, ठीक है। जो वाइट कलर दिख रहा है ना, यहाँ पर हम इसको रेड कलर कर देंगे, आप जो कलर ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ फिलहाल के लिए ऐड कर दिया हूँ। जो ये ब्लैक दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको क्लिक करके इस वाले ऑप्शन में टैप करके नीचे तरफ खींच लोगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके नीचे फ़ोटो ऐड कर लीजिए, सॉरी गाइस, तो यहाँ पर इसके नीचे फ़ोटो ऐड कर लीजिए, तो अरे यार क्या हो गया भाई, तो यहाँ पर इसको हम टैप करते हैं और देखो भाई ये क्या मतलब कि बला भाई क्या बला हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि प्लस पर आइए, मीडिया में आइए और यहाँ से गाइस सिंपली हम फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट वेट गाइस, यहाँ पर हम सिंपली फ़ोटो को पहले ऐड कर लेते हैं। तो कोई भी एक रेंडम इमेज को यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। अब इसको टैप करके मैं यहाँ पर नीचे करूँगा, ठीक है, ऐसे करूँगा और इसको हम पहले यहाँ पर फ्रेम में फ़िक्स कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जूम करके फ्रेम में फ़िक्स कर दिया हूँ। अब आपको क्या करना होगा, फिलहाल के लिए गाइस इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है, इधर से, ठीक है। अब इसको टैप करके शेप के नीचे छोड़ देना है, ठीक है। अब जो ब्लैक कलर का शेप है इसको टैप करना, इमेज को टैप करना, इमेज नीचे रखना और इस वाले ऑप्शन में टैप करोगे तो देखो इस तरीके से इमेज ये बन जाएगा, ठीक है, देख सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन करते हैं तो यहाँ पर ऐसे करके बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये ऐसे बन चुका है गाइस। अब फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ गाइस, तो यहाँ तक था, ठीक है। देखो ये परफेक्टली ये हो जाएगा। चलो यहाँ पर
ये देखो अच्छे से शेप नहीं ऐड हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब फाइनली ये अच्छे से हो चुका है, ठीक है, देख सकते हो। और इसकी ड्यूरेशन को भी हम एंड तक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हो चुका है गाइस, ठीक है, देख सकते हो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसी को टैप कर लेना है, और यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है कि बॉर्डर एंड शैडो में आके इस वाले शैडो को टैप करके अब इसको ब्लैक कलर कर दीजिएगा, ठीक है, और प्लस में आके डुप्लीकेट एक लेयर कीजिए। अब एक लेयर को खींच के आपको थोड़ा सा नहीं ऐसे हाथ से खींचना है और ऐसे कर लेना है नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद में सेम ही दोनों फोटो रहेगा। अब ये जो है ना शेप, अब इसको टैप करेंगे, एडिट ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ से गाइज अब आपको शेप में जाना है, और एडिट शेप में आके इसको इस तरीके से आपको कम कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक्स है इसको ऐसे करके आपको थोड़ा सा इनक्रीज कर लेना है, और उसके बाद में ये जो है ना इसको टैप कीजिए, और यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे आके अनग्रुप का ऑप्शन भी दिख जाएगा, तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। और ये सब को यहाँ पर डिलीट कर दो, और इमोजी को रहने दो, और यहाँ पर इमोजी को मूव एंड ट्रांसफर में आके साइज को मैं छोटा करके यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। और ये जो है ना लिरिक्स, इसको टैप करके इफेक्ट में आओगे तो लॉन्ग शैडो को रिमूव करो, एडिट में आओ, और उसके बाद में गाइस इसको डिलीट कर लीजिए लिरिक्स को, जो लिरिक्स आप लिखना चाहते हो तो वो यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा था ओ सजनी, तो ओ सजनी रे, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। और फिलहाल के लिए गाइस इसकी कलर मैंने रेड किया था वो पहले वाले इमेज पे, इसकी भी कलर को मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, ठीक है। और लिरिक्स की जो कलर है इसको यहाँ पर मैं वाइट कर देता हूँ। बॉर्डर एंड शैडो में आके इसको इनेबल कर लेंगे कुछ इस तरीके से शैडो को, और यहाँ पर इसको ऊपर रख लेता हूँ। और एक चीज़ और, जो हमने यहाँ पर जो है इस वाले शेप को टैप कीजिए, और एडिट ग्रुप में आइए, और इस लिरिक्स को टैप करके इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लो, वाइप वाला इफेक्ट को, और अपने इस ग्रुप में जाओ, ठीक है। अब देखो ये छोटा हो जाएगा, तो ऐसे करके आपको बढ़ा देना है, ठीक है, और ऐसे करके आपको ऐसे करके बढ़ाना है। और यहाँ पर एडिट ग्रुप में आएंगे, और जो गाइज हमारी ये जो लिरिक्स वगैरह है ना इसको सेलेक्ट कर लेना है, तो इस लिरिक्स को हम टैप कर लेते हैं गाइस, ठीक है, और इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से लिरिक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वीडियो को प्ले करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो इन है इसको ऊपर कर लो, ये जो शेप है ना गाइस इसको ऊपर कर दो कुछ इस तरीके से, तो देखो यहाँ पर ऐसे करके गाइस शो हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, क्योंकि गाइस ये ऊपर नीचे था, ठीक है। अरे यार कौन सा हो रहा है, तो ये ऊपर नीचे था, ठीक है, तो जस्ट वेट, तो ये गाइज ऊपर चला गया है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये नीचे, हाँ अब ठीक है गाइज, ठीक है। तो देखो ऐसे करके आपको होगा, और थोड़ा सा इसको और आप नीचे कर सकते हो, ये जो ऊपर वाला है जो नहीं, इसको थोड़ा सा आप नीचे कर सकते हो, और ये जो हमारे ना थोड़ा सा इसको हम ऐसे करके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बाकी आपको सॉन्ग को सुन लेना है। अब जहाँ तक ये होगा, थोड़ा सा गाइज ये साइज हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा हो चुका है साइज, तो छोटा कर लेना है। अब ये जहाँ तक सॉन्ग रहेगा वहाँ तक जाके बीट मार्क लगा लेना है ऐसे करके, और टाइमर पे आके एक्स्ट्रा पार्ट को ऐसे करके कट कर देना है, जैसे कि टाइमर पे आके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है, इधर पे क्लिक करना है, टाइमर पे आके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। अब इन तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए, प्लस में आके कॉपी लेयर कीजिए, फिर से जो नेक्स्ट लिरिक्स लिखना है यहाँ पर आके पेस्ट लेयर कर दीजिए थ्री लेयर्स, फिर से टैप कीजिए, फोटो को चेंज कीजिए, कलर में आके जो कलर आपको अच्छा लगता है यहाँ से सिलेक्ट कर लो, लाइक यहाँ पर मैं ये कलर ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से जितने भी है इसको भी टैप कीजिए, एडिट में आइए, कलर में आके जो कलर आपको अच्छा लगता है यहाँ से कलर को चेंज कर लीजिए, और उसके बाद में फिर से टैप कीजिए इस लेयर पे भी, फिर एडिट ग्रुप में जो लिरिक्स लिखना है लिख सकते हो, बाकी कलर जो अच्छा लगता है यहाँ से सिलेक्ट करते जाइए। तो देखो कुछ इस तरीके से गाइस ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से, देखो इधर भी हो चुका है ना, बाकी आपको इसी तरीके से, जैसे कि अब देखो यहाँ पर लिरिक्स की ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको टैप करना है, टाइमर में आके इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा लो, फिर से टैप कीजिए, टाइमर में आके बढ़ा दीजिए, फिर से टैप कीजिए, टाइमर में आके बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से आपको पूरी लिरिक्स वगैरह लिख लेना होगा, जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप बता ही दिया, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज क्या करना है, ध्यान से देखो कि यहाँ पर आपको अब क्या करना है कि देखो ये जो ऊपर नीचे चला गया, तो ये आप मैनेज कर लेना, ठीक है, इसको ना थोड़ा सा नीचे ऊपर कर देना। अब देखो नीचे ऊपर हो चुका है, ठीक है, ऐसे करके, तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक गाइज एच डी आर इफेक्ट को ऐड करना है, तो प्लस पाइए और एक शेप को ऐड कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, थ्री डॉट पे आके फिल कंपोजिशन एरिया में क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर दीजिएगा, और इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आइए, और यहाँ पर आपको सर्च कर देना होगा कॉपी बैकग्राउंड, ठीक है,
कॉपी बैकग्राउंड को यहाँ पर टैप करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन कर देना है। उसके बाद में फिर से इफेक्ट में आके एडी इफेक्ट पे आना है। इस बार आपको सर्च कर लेना है गोजन ब्लर या गोजन ब्लर जो भी है, यहाँ पर नेम देख लो भाई अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर टैप करके यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर गोजन ब्लर में क्या करना है, इसको हम इंक्रीज़ करके 160 के अप्रोक्स कर देंगे। फिर इफेक्ट में आके एडी इफेक्ट पे आएंगे और इस बार हम सर्च कर लेंगे एक्सपोजर गामा, ठीक है। अब एक्सपोजर गामा को टैप करके स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करेंगे और एक्सपोजर को ने माइनस कर लेंगे करीब यहाँ पर 90 या 0.89 इतना कर लेना है। फिर यहाँ पर ब्लेंडिंग में आना है और यहाँ पर डिफेंस में आके सबट्रैक्ट को टैप कर देना है। तो देखो हमारी इमेज पर कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा, अभी लाइट कम दिख रहा है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करेंगे, प्लस पे आएंगे, एक शेप और ऐड करेंगे, कलर एंड फिल में आके वाइट कलर ऐड करेंगे, थ्री डॉट पे आके फिल कंपोजिशन यहाँ पे क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक करेंगे। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पर टैप करके ओवरले को टैप कर देंगे। अब देखो यहाँ पर कितनी गज ऑसम हमारी लिरिक्स और यहाँ पर इमेज भी देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो बिफोर और आफ्टर में कितना ज़्यादा फर्क है। आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कुछ इसी तरीके की वीडियो एडिटिंग गाइज अब रोज आप लोगों के लिए आता रहेगा। अब यहाँ पे टैप कर लेना है फाइनली और इस वीडियो को एक्सपोर्ट करके यहाँ पे गैलरी में सेव कर देना है।